कैसे हो दोस्तों। इंडिया में कई चीजें काफी सस्ती हैं, जिनमें से एक है ट्रैवल भी। जी हाँ, आप कुछ हजार रुपयों में इंडिया की बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ के कल्चर, फेमस स्पॉट्स और खाने का लुफ्त उठा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के कुछ उन प्लेसेस के बारे में जहाँ आप 15,000 से कम खर्चे में आराम से घूम सकते हैं। अभी फेब चल रहा है तो ये लिस्ट इस विंटर सीजन के अकॉर्डिंग है, और अगर आप प्लेसेस को किसी डिफरेंट सीजन में विजिट कर रहे हैं तो ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो थोड़ा रिसर्च करके ही इन प्लेसेस को विजिट करना, बट मोर और लेस प्राइसेस इन्हीं के आसपास रहते हैं, जिसके बाद आप इन प्लेसेस को काफी कम खर्चे में विजिट कर सकते हैं। अब चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, तो फटाफट से आते हैं लिस्ट पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए लिस्ट को शुरू करें। कसौल, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कसौल की। कसौल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन, जो कि यहां से 144 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, और यहां से आप कसौल के लिए टैक्सी कर सकते हैं। और अगर आपके होटल्स, कार, साइट सीइंग और मील्स का टोटल करें तो आप यहां 15,000 से कम खर्चे में 4 नाइट्स और 5 डेज रह सकते हैं। आप यहां कम से कम 5,000 में 5 दिन होटल में स्टे कर सकते हैं। 2,000 में आपका खाना पीना हो जाएगा, 4 से 5,000 आपका ट्रेवल में जाएगा, और बाकी में आप यहां साइट सीइंग कर सकते हैं, जिसमें शामिल है खीर गंगा, मणिकरण और मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेसेस। और इसी प्राइस में आप यहां पर रात में कैंप का मजा भी ले सकते हैं। उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर राजस्थान की एक मेन सिटी है, जहां साल भर टूरिस्ट की कोई कमी नहीं होती। यहां पर पूरे भारत से लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं और यहां पर एक कभी ना भूलने वाला टाइम स्पेंड करते हैं। यहां पर आप 14,000 में 3 नाइट्स और 4 डेज रुक सकते हैं, जिसमें से आपका 3 से 4,000 होटल का खर्चा आएगा। 2 से 3,000 में आप यहां कार रेंट पर ले सकते हो, 4-5,000 आपका ट्रेवल का खर्चा, और बाकी पैसों में आप साइट सीइंग कर सकते हो और राजस्थान के लजीज पकवानों को खा सकते हो, और साथ ही आप इस प्राइस में माउंट आबू को भी विजिट कर सकते हैं। शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल की कैपिटल सिटी है और यहाँ की मोस्ट पॉपुलर सिटी भी, जिसकी वजह से आप यहाँ जब भी जाएंगे आपको बहुत क्राउड मिलेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह को विजिट करना काफी चीप है। आप यहाँ पर 12,000 में 3 नाइट्स और 4 डेज आराम से बिता सकते हैं, जिसमें आपके होटल्स, बस या ट्रेन का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग और मील सभी कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप लग्जरी होटल्स में ना रुककर 3-स्टार होटल लेते हैं तो आपका होटल का खर्चा यहाँ पर 4 से 5,000 रुपए ही आएगा। 1,000 रुपए में आप यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट से कहीं भी जा सकते हो। 5,000 में आप शिमला में ट्रेन या बस अपनी सिटी से जा सकते हैं, और 4 से 5,000 में आप यहाँ घूम सकते हैं और साथ ही साथ बहुत बढ़िया मील भी एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने के लिए दिल्ली या NCR से जा रहे हैं तो आप प्राइवेट कैब करके अपनी फैमिली के साथ इस प्राइस रेंज में इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं। ऊटी, तमिलनाडु। ऊटी तमिलनाडु का एक ब्रेथ टेकिंग हिल स्टेशन है, जिसे उदगमंडलम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेस ट्रेवलर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है, एंड इसे आप इजीली 15,000 से कम के खर्चे में विजिट कर सकते हैं। 14,000 में आप यहाँ 5 नाइट्स और 6 डेज बिता सकते हैं बहुत आराम से, जिसमें ट्रेन का खर्चा लगभग 5,000 आएगा, होटल्स का खर्चा 3 से 4,000 का, 1-2,000 में आप यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट में घूम सकते हैं, और खाने का खर्चा आपको यहाँ 2,000 के आसपास ही पड़ेगा। दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग एक मेजर माउंटेन सिटी है जो कि वेस्ट बंगाल राज्य में लोकेटेड है। ये एक मेजर टूरिस्ट प्लेस है एंड इट्स फेमस फॉर द एरिया ऑफ शेड एट इट्स हाई पॉइंट। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मेस्मराइजिंग स्पॉट्स, स्टनिंग व्यूज ऑफ द माउंटेन्स एंड वैलीज। इस प्लेस पर आप 15,000 में 3 नाइट्स और 4 डेज आराम से बिता सकते हैं, जिसमें आपको होटल्स, कार, साइट सीइंग और मील्स की सभी सुख सुविधा मिल जाएगी। 5,000 में आप यहाँ 4 दिन आराम से किसी
किसी भी बढ़िया होटल में बिता सकते हैं। 5,000 आपका ट्रांसपोर्ट में खर्चा आएगा, 2,000 में आप यहाँ कार से साइट सीइंग कर सकते हैं और 3,000 में आप यहाँ आराम से बढ़िया खाना खा सकते हैं। पुडुचेरी। पुडुचेरी या पॉन्डिचेरी अपने फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। यहाँ पर फेमस प्रोमिनाड बीच भी है जो कि इवनिंग स्ट्रोल्स के लिए परफेक्ट है, और यहाँ का ऑरोविल एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप और मातृ मंदिर के लिए फेमस है। वैसे अगर आप पीस लवर हैं तो ही आप यहाँ पर जाने का सोचें, अदरवाइज कुछ फन के मूड में है तो यहाँ जाना आप अवॉइड कर सकते हैं। इनके अलावा पॉन्डिचेरी में कई और प्लेसेस हैं जिन्हें आप यहाँ आने के बाद आराम से विजिट कर सकते हैं। अगर ट्रेन फेयर्स, होटल्स, कार, साइट सीइंग और मील्स में होने वाले खर्चों की बात करें तो आप यहाँ 13,500 में सभी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। 5,000 आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आएगा, 5,000 में आप होटल लेकर रह सकते हैं, 3,000 में आपकी सभी मील्स हो जाएंगी एंड आप इस प्राइस में यहाँ 4 nights and 5 days रह सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेस काफी अफोर्डेबल और एक मस्ट विजिट प्लेस बन जाता है। हम्पी, कर्नाटका। हम्पी कर्नाटका की एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि विजयनगर एम्पायर के गॉर्जियस टेंपल्स और बहुत से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए जानी जाती है। इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले यहां पर आया करते हैं और इस जगह की खूबसूरती का लुफ्त उठाते हैं। वहीं अगर बात करें यहां पर होने वाले खर्चे की तो आप यहां 5 nights and 6 days मात्र 13,800 रुपए में रह सकते हैं, जिसमें ट्रेन फेयर्स, होटल्स, रेंटल कार, साइट सीइंग और मील्स इंक्लूडेड है। और कमाल की बात यह है कि आप इस खर्चे में हम्पी के नियरेस्ट प्लेसेस जैसे कि बैंगलोर और चिकमगलूर को भी विजिट कर सकते हैं। मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश। मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये यहाँ के छोटे से शहर धर्मशाला के पास लोकेटेड है। मैक्लोडगंज का मेन अट्रैक्शन है उसका शांति भरा माहौल। दलाई लामा टेम्पल तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर के लिए सेक्रेड है। वहीं त्रेउन ट्रैक एक शॉर्ट ट्रैक है जो ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए फेमस है। भागसु फॉल सीनिक ब्यूटी और ट्रैक के बाद रिलैक्स करने के लिए एक अच्छा स्पॉट है, तो 15,000 के अंदर आप इस प्लेस को भी विजिट कर सकते हैं। मैक्लोडगंज में आपको होटल्स थोड़े महंगे मिल सकते हैं, तो आप इनका बजट 6,000 to 7,000 लेकर चलें। 3,000 to 4,000 के अंदर आप आराम से दिल्ली NCR से इस प्लेस को विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ वापस भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई एक साइड गई है। 3,000 to 4,000 में बस के जरिए आपका राउंड ट्रिप पूरा हो जाएगा दिल्ली से। नॉर्थ इंडिया में खाना काफी अफोर्डेबल मिलता है, तो आप 2,000 to 3,000 में यहाँ पर भर पेट खाना खा सकते हैं और 1,000 to 2,000 में आप यहाँ साइट सीइंग कर लेंगे। पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर एक फेमस रिलीजियस प्लेस है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। ये एक छोटा सा शहर है जो कि पुष्कर लेक के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर अनेकों हिंदू टेंपल हैं, लेकिन पुष्कर का सबसे फेमस मंदिर है ब्रह्मा मंदिर जो कि भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। वहीं पुष्कर लेक अपने होली डिप के लिए फेमस है। पुष्कर फेयर, अगर आप नवंबर में जा रहे हैं तो ये वाइब्रेंट फेयर देखने लायक है। स्ट्रीट शॉपिंग, यहाँ के कलरफुल बाजार्स में शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। इस प्लेस को भी आप 15,000 के अंदर इंडिया में किसी भी मेजर सिटी से विजिट कर सकते हैं, जिसमें सभी एसेंशियल चीजें इंक्लूडेड हैं। गोवा। गोवा एक अमेजिंग डेस्टिनेशन है साल में किसी भी मंथ में विजिट करने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ लोग समर्स में और रेनी सीजन में से अवॉइड करने को कहते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। उस टाइम पर आपको क्राउड बहुत कम मिलता है तो देख लो, वैसे प्रेफरेबल तो नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर आप ऑफ बीट ट्रेवल करने के शौकीन हैं तो गोवा समर्स और रेनी सीजन में जाने के लिए एक डिफरेंट ऑप्शन है। ये प्लेस कपल्स के बीच काफी फेमस है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों कपल्स आते हैं, लेकिन इस जगह को आप अकेले भी घूम सकते हैं एंड अकेले जाते हैं तो इसकी कॉस्ट आएगी लगभग 15,000 के आसपास, जिसमें लगभग 4,000 रुपए आपकी ट्रेवल कॉस्ट लगेगी, 5,000 में आपका रहना हो जाएगा, 3,000 में आप यहाँ बड़े आराम से खा और पी सकते हैं और 1,000 रुपए में आप यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूम सकते हैं।
और 2,000 रुपए की आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ वो प्लेसेस जिन्हें आप मात्र 15,000 में विजिट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फेयर सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे कि दिसंबर में गोवा बहुत महंगा हो जाता है, तो ये मत कहना कि भाई 15,000 में गोवा कैसे होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ट्रैवल लवर्स के साथ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली बार एक और ऐसी वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि आप 20,000 के अंदर इंडिया में किन किन प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।